अगर आपसे कोई पूछे कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जगह कौन सा है, तो जाहिर सी बात है आपका जवाब होगा अमेजन रेनफॉरेस्ट। यह विशालकाय जंगल धरती पर 5.5 करोड़ सालों से मौजूद है। यह जंगल अपने आप में एक अलग ही दुनिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको यहाँ पाए जाने वाले रहस्यमय जीव और पेड़ पौधों के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अमेजन वर्षा वन में लाखों प्रजाति के अनदेखे जीव और पेड़ पौधे हर साल यहाँ से खोजे जाते हैं। लेकिन इस जंगल की सबसे अद्भुत और डरावनी चीजों में से एक यहाँ रहने वाली नदी है। यह विशालकाय नदी करीब 6400 किलोमीटर लंबी है, जिसकी गहराई 100 मीटर तक पहुँच जाती है। इस नदी की सबसे डरावनी बात इसमें रहने वाले लाखों प्रजाति के जीव हैं। कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे रहस्यमय जीव देखने को मिलते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इस नदी में कभी करोड़ों साल पहले के खतरनाक जीव बसा करते थे, जिनके अवशेष आज भी यहाँ से पाए जाते हैं। साल 1981 में अमेजन रिवर में दुनिया की सबसे खतरनाक घटना घटी, जहाँ पर सैकड़ों नावों की पलटने की खबर आती है। कई रिसर्च के बाद पता चला कि इन बोटों की पलटने की वजह नदी में रहने वाला एक अनदेखा और रहस्यमय जीव था। इस घटना में करीब 320 लोगों की जान गई थी और इस बात की पुष्टि कभी नहीं की जा सकी कि वो जीव कौन था। आज की तारीख में ऐसा माना जाता है कि इस घटना के पीछे रेड 10 नामक एक विशालकाय कैटफिश की प्रजाति हो सकती है। यह विशालकाय मछलियाँ इतनी ताकतवर होती है कि इनका एक ग्रुप इंसानों से भरे बोट को आसानी से पलटा सकता है। अगर एक बार आदमी पानी में गिर गया तो ये अपने पावरफुल जबड़े की मदद से इंसानों को पानी के अंदर खींच लेती है। कहते हैं कि इन कैटफिश की विशालकाय प्रजातियाँ इसी नदी में पाई जाती है, जो कि सिर्फ अमेजन रेनफॉरेस्ट में मौजूद है। इस जंगल में रहने वाले ट्राइबल लोग कुछ और ही डरावनी बातें सामने रखते हैं। वे लोग दावा करते हैं कि उन्होंने कई बार इन नदियों में भयंकर और विशालकाय पिराना देखी है, और उन लोगों का मानना है कि साल 1981 में हुई घटना के पीछे इन्हीं का हाथ हो सकता है। वैज्ञानिकों ने अपनी खोज में एक से बढ़कर एक भयंकर और खतरनाक पिराना मछली की प्रजाति की खोज की है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोकल लोगों का मानना है कि इन मछलियों का भयंकर और इससे भी खतरनाक प्रजाति यहाँ बसती है, जिसे आज तक खोजा नहीं गया है। इस जंगल की सबसे खतरनाक बात यहाँ रहने वाले भयंकर और जहरीले सांप हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह जंगल इतना बड़ा है कि इसमें अभी भी हजारों प्रजाति के जहरीले सांप पाए जाते हैं, जिन्हें आज तक खोजा नहीं जा सका। इस बात की तो पूरी संभावना है कि दुनिया का अब तक सबसे जहरीला और सबसे खतरनाक सांप इसी जंगल में पाया जाता है। अमेजन रिवर तो दुनिया का सबसे बड़ा सांपों का घर है। यहाँ एनाकोंडा की कई हजार प्रजातियाँ पाई जाती है, और हो भी क्यों ना। कहा जाता है कि अमेजन रिवर में ही दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटन बुआ की प्रजाति रहा करती थी। ऐसी कई घटनाएं सामने आ चुकी है जिसमें बहुत बड़े विशालकाय सांपों को रिकॉर्ड किया गया है। किनारे से लेकर नदी की गहराई तक कई हैरतअंगेज सांपों को देखा गया है। यह वीडियो तो आपने देखा ही होगा, जिसमें दो व्यक्ति को अमेजन रिवर के किनारे एक विशालकाय सांप दिखता है। वे उसे पानी में खींच लेते हैं और तब जाकर हमें दिखता है कि वो सांप कितना विशाल था। उसी तरह एक और वीडियो सामने आता है, जिसमें दो व्यक्ति को नदी के अंदर डाइविंग करते वक्त एक विशालकाय एनाकोंडा अंदर तैरता हुआ दिखता है। शुक्र है कि वो सांप शांत स्वभाव का था, वरना अंजाम बुरा हो सकता था। ये तो वो घटनाएं थी जो कैमरे में कैद हो गई, लेकिन यहाँ पर रहने वाले लोग ऐसे ऐसे दावे करते हैं जिनके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार 40 से 50 फीट बड़े बड़े सांप देखे हैं। बल्कि इनका ये भी कहना है कि इनके कई लोग इन सांपों के शिकार भी हो चुके हैं, इसलिए वहाँ के रहने वाले लोग इन विशालकाय सांपों की पूजा करते हैं ताकि वे उनका शिकार ना करें। बल्कि जंगल के लोग तो ऐसा भी मानते हैं कि इन नदी में उन्होंने इच्छाधारी नागों को भी देखा है। वैसे दोस्तों, आजकल के जमाने में ये सब बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता कि इच्छाधारी नाग और नागिन भी होते हैं। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में होने को तो कुछ भी हो सकता है, और इस बात में कोई शक नहीं है कि इस नदी में कई अद्भुत और विशालकाय सांपों को देखा गया है। तो इन संभावनाओं को पूरी तरीके से झुठलाया भी नहीं जा सकता। आज से करीब 10 करोड़ साल पहले धरती पर लीचेज की सबसे विशालकाय प्रजाति मौजूद थी, जो कि अमेजन के जंगलों में ही पाए जाते थे। लेकिन वैज्ञानिक अभी तक इन बातों का पता नहीं लगा पाए हैं कि ये लीचेज कैसे विलुप्त हो गए, इसलिए इन्हें एक्सटिंक्ट माना गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब अमेजन रिवर में इस जायंट लीचेज को फिर से खोज लिया गया। सोचकर देखिए दोस्तों, जिन जीवों को हमने विलुप्त मान रखा था तो उनकी खोज फिर से हो गई। तो आप इसे ये समझ सकते हैं कि अभी अमेजन के जंगल में ऐसे कई सारे चीजें हैं जिनसे पर्दा उठना भी बाकी है।
वैज्ञानिक मानते हैं कि इन जीवों की सलाइबा की मदद से कई महत्वपूर्ण दवाइयां बनाई जा सकती है। सिर्फ पानी के अंदर ही नहीं बल्कि पानी के बाहर भी हमें कई ऐसे प्रजाति देखने को मिलते हैं जो काफी खतरनाक होते हैं। जैसे कि आप इस फ्रॉग को ही देख लीजिए, ये देखने में कितना प्यारा लग रहा होगा, लेकिन इसके छूने मात्र से ही आपको लकवा मार सकता है। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल इस मेंढक को पॉइजनस डार्ट फ्रॉग कहते हैं, जो सिर्फ अमेजन के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इनका ये कलरफुल पैटर्न इनके जहरीले होने को दर्शाता है। जो मेंढक जितना कलरफुल होगा वे उतने ही जहरीले होंगे, और अगर इसके छूने के बाद ठीक समय पर इंसान का इलाज नहीं करवाया गया तो उसकी मौत भी हो सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस जंगल की चींटियां तक काफी खतरनाक होती है। यहाँ ऐसी चींटियां पाई जाती है जिन्हें काटने का दर्द दुनिया के सभी इंसेक्ट्स में सबसे ज्यादा पेनफुल होता है। इनके काटने का एहसास शरीर पर लगी गोली के बराबर होता है, इसलिए इन्हें बुलेट एंट्स भी कहा जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेजन रेन फॉरेस्ट का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।